धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आज जिस जीवन से भरपूर धरती को हम देखते हैं, वो कभी एकदम वीरान हुआ करती थी, जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस समय की, जब धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं उस समय की कैसी होगी धरती तब, और किस तरह से धरती पर जीवन के अंकुर फूटे होंगे? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट की वजह से हुई थी। लगभग 5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। यह धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए, और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये कण आपस में जुड़ने लगे, और इसी प्रोसेस के लंबे समय तक चलने की वजह से सौर मंडल का निर्माण हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे, और इन्होंने ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया, और इस तरह पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टाने और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। पृथ्वी के जन्म के समय से ही थिया नाम का ग्रह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये गति बंदूक की गोली से 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा मलबा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों सालों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से उस मलबे ने एक गेंद का रूप ले लिया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस चक्कर से चांद बना था, उसकी वजह से धरती एक ओर मुड़ गई, और उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, वो थी मौसम। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। लेकिन यहाँ से जीवन की शुरुआत नहीं हुई। अभी इसके लिए धरती को कई और बदलावों की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर मौजूद पानी के अंदर सबसे पहले जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। धरती पर काफी लंबे समय तक अकेले बैक्टीरिया का ही राज रहा। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियों ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और ऑक्सीजन के आने से धरती पर जीवन की नई लहर ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया, और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई। आज से 550 करोड़ साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीव जंतुओं का विकास भी शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहले कांटे वाली मछली पैदा हुई। इस तरह देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण जल से निकलकर पौधे धरती पर उगना शुरू हो गए, और करीब आज से 40 करोड़ साल पहले जीवों ने भी धरती को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। धरती पर फैलने में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, फिर इनसे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप बने। सरीसृप धीरे धीरे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे,
इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। धीरे धीरे नए नए जानवरों का विकास हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर्स के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र होता था, जिसे पेंजिया कहते थे। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्का पिंड धरती से टकराई और चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए। धूल के इन बादलों से लंबे काल तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाईं और इसी चलते तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे धरती के विशालकाय जीव डायनासोरों का अंत हो गया। डायनासोर्स के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले बंदर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी। वो इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी जंगल हुआ करते थे। वहां बर्फ का नामो निशान तक नहीं था। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका एवं अमेरिका ने अपना आकार ले लिया। 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा और पृथ्वी आइस एज की ओर जाने लगी, और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास की प्रक्रिया शुरू होने लगी, जो कि आज तक जारी है। दोस्तों, मानव का विकास वानरों से हुआ ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये काम एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुआ है, और आज भी विकास की ये प्रोसेस लगातार चल रही है, जिसका अंत पृथ्वी के अंत के साथ ही होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।